महागामा थाना परिसर में शांति समिति की गई बैठक। महागामा थाना परिसर में बकरीद पर्व के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बकरीद त्यौहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर उपस्थित लोगों से सुझाव मांगे गए। अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने लोगों से बकरीद का त्यौहार आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। लोगों से इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर बकरीद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें, साथ ही सामूहिक समाज नहीं करने का निर्देश दिया। कहा कि गांव में और मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की जाएगी। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, बकरीद आपसी भाईचारे का त्यौहार, इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाना चाहिए। बकरीद का त्यौहार के दिन जगह जगह पर पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया जाएगा, साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति नियम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। मंचलों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी, साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनी रहेगी। अगर सोशल मीडिया पर गलत सूचना या अफवाह से धार्मिक भावना पर चोट पहुंचाने वाले सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़े तो उक्त व्यक्ति एवं एडमिन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में देखा गया कि गणमान्य लोगों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नहीं देखा गया, जबकि बैठक का मुख्य उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र से लोग बैठक में पहुंचे, लेकिन गणमान्य लोगों की उपस्थिति कम देखी गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश, थाना प्रभारी फागो होरो मोहम्मद किरमान के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अजीमुद्दीन, मुखिया बबलू, कांग्रेस के खुशतेर हुसैन, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हारून हसीद, निर्मल दास, निशान जिया, रंजना झा के अलावे अन्य लोग उपस्थित थे। एसडीपीओ साहब वीरेंद्र कुमार चौधरी साहब आपसे मुखातिब थे और बता रहे थे कि हम तो अपना ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन हमको कहीं किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और आप लोगों ने बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही अमन के साथ, बड़े ही नियम के पालन के साथ कोरोना वायरस को देखते हुए आपने ईद की नमाज अपने घरों में अदा की, और ये आप धन्यवाद के पात्र हैं, शुक्रिया के पात्र हैं। हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। और आज